टैक्समैकोरिल लगभग 215 रुपए के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, और काफी बड़ी इसी स्टॉक के अंदर गिरावट देखी जा चुकी है, क्योंकि लगभग 295 रुपए से स्टॉक गिरता गिरता 210 रुपए के आसपास आज इस स्टॉक ने लो बनाया है। अब बात यहां पर यह है, क्या ये स्टॉक यहां से पुल बैक करने को तैयार है, यानी कि क्या ये स्टॉक यहां से बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है। देखिए, सवाल सभी के मन में है, क्योंकि टैक्समैकोरिल के अंदर काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और रेलवे सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर। दरअसल देखें तो जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने इस स्टॉक को रेगुलर उनके साथ कवर किया है, और मैंने बार बार आपसे एक ही बात कही है कि ये कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये आइडिया होगा कि इस स्टॉक के अंदर अगर गिरावट आती है तो यहाँ से कितनी आ सकती है, और पुल बैक होगा तो किन कारणों से होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो चलिए ये तो बात ठीक है कि पुल बैक हो सकता है, बट उसके पीछे कारण क्या है जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर पुल बैक आ सकता है, उसके लिए आपको एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और पॉइंट्स को समझना होगा। अगर आप पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आपके मन से सभी सवाल दूर होने वाले हैं, फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि स्टॉक यहाँ से और गिर गया मैं क्या करूँ। उस कंडीशन में आप जो है जस्टिफाइड कर पाएंगे चीज़ों को और नुकसान से बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की करंट सिचुएशन की, जो इस कंपनी के अंदर चल रही है। दरअसल अभी इस कंपनी ने पास्ट में आप जानते ही होंगे जिंदल वैगन को एक्वायर किया है, यानी कि जिंदल की जो रेलवे कंपनी थी उसको एक्वायर किया है, और उस कंपनी के पास लगभग 2000 वैगन का ऑर्डर भी है, यानी कि अब वो जो ऑर्डर है किसके पास आ गया है, टैक्समैकोरिल के। अब वो एक्विजिशन जो रहा है वो इस कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिशियरी है, और टैक्समैकोरिल भी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें लगभग 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक इंजॉय करता है, और मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का अच्छा बड़ा मार्केट शेयर है, यानी कि वैगन्स का जो भी ऑर्डर आता है उस कंपनी ने उसमें मेजरली रोल प्ले करना है। तो अब जो जिंदल वैगन का जो एक्विजिशन है वो इस कंपनी की सेल्स भी ग्रो करेगा, मुनाफा भी ग्रो करने में मदद करेगा, और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी होगा। तो ये इस कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में या कह सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में दोनों ही बड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर पॉजिटिव बात कहूँ तो आप ये भी देखिए, कंपनी लगातार डेट को रिड्यूस कर रही है, QIP के माध्यम से जो पैसा आया है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो गया, डेट भी रिड्यूस हुआ है, तो यानी कि डेट रिड्यूस होने की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की तरफ, यानी कि रिजल्ट की तरफ, जो अगले महीने इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, जिसके कारण इस कंपनी की और आपको तेजी दिख सकती है, आप कह सकते हैं इसकी री रेटिंग के और कारण बढ़ जाएंगे। अब मैं वो कारण आप समझिए, वो बताता हूँ मैं आपको। दरअसल देखा जाए पिछले लास्ट के दो क्वार्टर उठा लीजिए आप, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर और Q1 क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का, कंपनी ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट वाली कंपनी बन चुकी है। पैट की अगर हम बात करें जो कि 20 करोड़ रुपए का पैट दिखाती थी कंपनी, अब वो लगभग 130 करोड़ तक के प्रॉफिट दिखा रही है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी जो है काफी बड़ा प्रॉफिट दिखाने वाली है अगर हम पास्ट के मुकाबले देखें। और कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी दिखाई दे, और जो लोग बाग ये कहते हैं ना पी के हिसाब से कंपनी महंगी है क्योंकि ईपीएस कम है, उनके लिए ये बात जानने वाली है कि इस साल इस कंपनी का ईपीएस काफी जंप होने वाला है, और जिस कंपनी का ईपीएस जंप होगा उसके बाद उसका पी सस्ता दिखाई देगा और वहां से उसकी री रेटिंग हो सकती है, यानी कि ये साल जो है इस कंपनी के लिए अर्निंग के लिहाज से शानदार रहने वाला है। जब कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका यहाँ पर जो है शेयर भी बढ़ना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। फिर जरा एक बात आप वैल्यूएशन पे भी नज़र डालिए, जब आपने रेलवे सेक्टर की ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो आप जरा वैल्यूएशन को भी समझिए। अगर एट प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें लगभग 65-66 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, और मोटा मोटा अगर हम देखें 3.2 के मल्टीपल पे है। पूरी इंडस्ट्री में रेलवे वैगन बनाने वाली जो कंपनी है, जुपिटर वैगन जैसी भी जो कंपनी है, टीटागढ़ वैगन जैसी भी जो कंपनी, आप कंपेयर करके देख लिए आपको दिखाई देगा ये कंपनी कहीं भी महंगी नहीं है। पी के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस फाइनेंशियल ईयर के पी के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको महंगी नहीं दिखाई देगी। अब एक चीज और देखिए आप, मार्केट कैप टू सेल्स 4,000 करोड़ की सेल्स वाली कंपनी है, आप कंपेयर कर लीजिए जुपिटर वैगन कितने हजार करोड़ की सेल करती है और कितने के मार्केट कैप पर है, आपको उस हिसाब से सस्ती दिखाई देगी। तो वैल्यूएशन कहीं भी रेड अलर्ट नहीं कर रहे कि ये महंगी हो गई है और कंपनियों से महंगी हो गई, यहाँ पर कंफर्ट है। तो आपको ये भी समझना है कि नियर टर्म में या थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी आपको एक कंफर्ट दे रही है कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। फिर बात यहाँ पर एक कर लेते हैं गिरावट की, कि गिरावट अभी कितनी और आ सकती है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया 63-65 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, अगर हम करंट सिनेरियो में भी देखें तो एक कंपनी
अगर अपने बुक वैल्यू के 3 के मल्टीपल के आसपास भी आए तो उस कंडीशन में लगभग 190 रुपए के आसपास का टारगेट निकल कर आता है। तो यानी कि करंट भाव से अगर यहाँ से भी 10-15% की और करेक्शन आ जाती है तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो बाजार इतना हीटअप है, तो अगर इन शेयरों की पिटाई होगी तो थोड़ी बहुत और हो सकती है। बट अगर हम अपर साइड की बात करें तो इस कंपनी के अंदर अपर साइड ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल है कि इस समय की कंडीशन में अब गिरावट कम है, यहाँ पर तेजी आने के चांस ज़्यादा हैं, जो इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन बता रहे हैं। तो टैक्स मैको रेल के शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आपने जो गिरावट देखी है, अब आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, वो गिरावट कहीं ना कहीं जो है बॉटम अप हो रही है, यहाँ से अब शेयर को चलना चाहिए जिस हिसाब के करंट में पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।